right, all right, all right. Okay. गाइज इट्स 11:30 और हो रहे जा रही है त्रिशिका की मैरिज। त्रिशिका सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, फीड लेके खेली बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर उसने नैप लिया, फिर उठी, फिर खेली, फिर उसने सेरेलेक खाया और फिर उसने अच्छा वाला नैप लिया। और अब इट्स लाइक 11:30 और गाइज अब मैं इसके करने जा रही हूँ मसाज। आप लोगों को मैं एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये एक मैट है, ये वाटरप्रूफ मैट है, इसमें हम लोग वी यूज़ दिस फॉर लाइक डाइपर चेंज, ताकि कभी इसने पी कर दिया तो जो नीचे का बेडशीट है या कुछ भी है वो गीला ना हो जाए। दिस इज़ ऑफ कॉफ़ी कलर और गाइज ये बहुत ही पूरा बड़ा आया था, ये पूरा बेडशीट टाइप का आया था पूरा बड़ा, मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया गाइज। और अब वो इतना ज़्यादा मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इसको आई थिंक जब ये पैदा हुई थी तो उसकी नानी ने ये गिफ्ट किया था, तब से लेके अब तक वी आर यूज डन विद मालिश एंड आफ्टर हाफ एन आवर वी आर गोइंग टू टेक अ बाथ। सी शी इज फ्लिपिंग बाय हरसेल्फ। त्रिशिका अगेन शो एवरीवन दैट यू आर फ्लिपिंग। यस ओके नाउ शो। Nah, 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 you have to do by yourself. Nah, nah, no. Oh, like this. Mera gupu gupu. Aapka to camera mein capture ho gaya. Aapka to palatna camera mein capture ho gaya. Yes, sure, no. Maza aaya malish karke. Guys, sardiyon ka asar si. Iske jo cheeks hai, they are like थोड़े थोड़े फट रहे हैं। मैं वैसे इसका बहुत केयर करती हूँ बट स्टिल कहीं ना कहीं इसके फटते हैं ही गाल। काफ़ी सेंसिटिव स्किन है इसकी, अब इसको बहुत ज़्यादा इचिंग भी होने लग गई है, जैसे लाइक शी इज़ डूइंग ऑन हर हेड। और इसको मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मैं पूछ के आऊँगी कि क्या कर सकती हूँ मैं डॉक्टर को इसकी, इसको स्किन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इची स्किन हो रही है। त्रिशिका दुआर से कैन यू शो ज्ञान। यश ये त्रिशिका कंग्रेचुलेशंस। हाँ नहीं नहीं चले, दूध पियोगे फिर नहीं चलते हैं, ठीक है? ओके ओके गाइस बाय बाय फॉर नाउ। त्रिशिका इज देयर, अभी वो वेट कर रही है, उसने थोड़ा सा बनाना खाया है और अपने टॉय के साथ खेल रही है। यहाँ पे मैंने उसकी ड्रेस असेंबल कर दी है, मॉइस्चराइज़र, ड्रेस, वनजी, डाइपर, फेस क्रीम और कुछ रह गया नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेट मी शो यू द ट्रे जिसमें मैं इसका असेंबल करके रखती हूँ सारी चीज़ें। गाइस दिस इज़ द ट्रे, जब भी नानी की आती है तो हम लोग अपना डाइपर में से सब निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। दिस वन इज़ लाइक तीन डब्बे हैं ये नान एक्सेल प्रो के, तो वी आर यूजिंग इट लाइक फॉर चावल का जो पाउडर जो होता है मैं इसमें रखती हूँ, चावल का पाउडर आई मीन रागी पाउडर इसमें। ये सारे इसके पैसिफायर्स हैं, ये दो उधर है, इसके टॉयज हैं, इसके दो वाइप्स हैं यहाँ पे, और इसका ये जो मेडिसिन है एज यू कैन सी दिस वन डेंटॉन, ये मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, काफ़ी बहुत अच्छा है। अगर आपका बेबी भी टीथिंग फेज में है यू कैन गिव दिस मेडिसन्स बट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर। बहुत अच्छा मेडिसन है, इसका ड्रूलिंग भी कम हो गया और काफ़ी सारी चीज़ों में ये हेल्प करती है, जैसे अगर बाई चांस पेट में कॉलिक वगैरह की प्रॉब्लम हो उसमें भी ये हेल्प करती है, टीथिंग में करती है, डिलेड एंड डिफ़िकल्ट टेंशन एसोसिएटेड विद कॉलिक, डायरिया एंड इरिटेबिलिटी में भी ये बहुत ज़्यादा वो करती है, हेल्प करती है। ये चार बार दे सकते हैं पूरा दिन में बेबी को, पूरा सुबह दोपहर शाम, मतलब चार टाइम दे सकते हो आप लोग इसको रात को, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और गाइस बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आप लोग कंसल्ट करके इफ़ योर बेबी इज़ इन टीथिंग फेज स्टार्ट गिविंग दिस मेडिसिन, बहुत अच्छी है। तो ये सारा मैं असेंबल करके यहाँ पर रखती हूँ, बहुत इजी हो जाता है, चाहे कोई भी हो फटाफट उठाता है इसमें से सामान और यूज़ करने लग जाता है। ये मेडिसिन और है, इसके बारे में आप लोगों को बाद में एक प्रॉपर डिटेल बताऊंगी। एक स्वर्ण प्राशन होता है, स्वर्ण क्या नाम था मम्मा इसका, प्राशन ही है, स्वर्ण प्राशन है। इसमें कुछ गोल्ड का कुछ है, इसमें गोल्ड भस्म है इसके अंदर और बहुत अच्छा है बेबी के इम्यून सिस्टम के लिए प्लस ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। वी हैव टू गिव इट एवरी संडे, ये स्पेशली गुजरात से मंगवाया है, किसी पापा के फ्रेंड है उन्होंने भेजा है ये, और गाइस बहुत अच्छा, लाइक बहुत अच्छा स्टफ़ है।
इसके बारे में डेफिनेटली वीडियो करूँगी और आप लोगों को आगे बताऊँगी। सो गाइज, दिस वॉज ऑल हर स्टफ, यहाँ पे रहता है। अब हम जा रहे हैं नहाई नहीं करने, गोइंग फॉर नहाई नहाई। मैंने इसको सब कुछ इकट्ठा कर लिया, इसको मैंने पानी भर के रख दिया, ये बेबी वॉश जो है वो यूज़ कर रख लिया। और गाइज, त्रिशिका इज़ ऑल्सो रेडी नाउ, शी इज़ ईगली वेटिंग कि मैं इसको कब डिप करूँ टब में। मैं अब इसको टब में डिप करने लग गई हूँ क्योंकि अब इसको बड़ा एक्साइटमेंट होता है, अदरवाइज उससे पहले बहुत ज़्यादा डरती थी पानी से। बट शी इज़ इन्जॉइंग नाउ वाटर, और जब भी कभी पानी देखती है तो बहुत एक्साइटेड, लाइक दिस शी इज़ एक्साइटेड। सो आई एम गोइंग टू गिव हर बाथ, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नहीं नहीं हो गई, एंड वी आर हैविंग अ बॉटल फुल ऑफ मिल्क। तो दिस इज़ हर फोर्थ फीड, और जैसे ही मैं इसको नहलाती हूँ उसके बाद इसको मैं दूध पिलाती हूँ। तो शी इज़ हैविंग हर फोर्थ फीड। शिका सो गई है, इसको मैंने नहला दिया था, इसको फीड करा दिया था, मैं खुद नहीं नहाई हूँ अभी तक, और मुझको भी जाके नहाना है और दो बैक टू बैक वीडियो शूट करनी है, दैट विल बी मैरी प्रिको पेंट वाला और पैम्पर्स में कंपैरिजन और पैसिफायर्स वाले। अच्छा है, सो गई, बहुत जल्दी सो गई, लाइक मैं इसको झूले में लाई थी, 2 मिनट इसने देखा, शी लव्स वॉचिंग बर्ड्स, इसने बर्ड्स को देखा थोड़ा सा, और गाइस उसके बाद सोने के बाद बच्चा सो जाता है, तो आई थिंक शी विल टेक अ लॉन्ग नैप, और मैं फटाफट अपने काम निपटा लूँगी, वीडियो शूट कर लूँगी। गाइस, पानी मैंने अभी तक 1 ग्लास पानी नहीं पिया है। आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, मैंने वेट नहीं किया, मैं हमेशा अगर मेरे को नहाने का लाइक पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ, तो कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है मेरा। अभी तक नहीं पिया, 1:30 बज गया और मैं शूट करने जा रही हूँ, उसके बाद फटाफट शूट करके अपलोड करूँगी। एक और ग्लास पी लियो क्योंकि राउंड ऑफ करना है, कैसे ना कैसे करके शाम तक 8 ग्लास करना है। कल भी नहीं हो पाया था मेरे, कल मैंने 5 ग्लास पिया था। त्रिशिका, शो योर फेस त्रिशिका। देखो इसकी नानी ने इसकी चुटिया बना दिया गंजू की, छोटे तो दो बाल हैं इसके, इसकी चुटिया बना दिया। त्रिशिका, शो मी योर फेस बच्चा, शो मी योर फेस त्रिशिका, शो मी योर फेस त्रिशिका, छोटी सी चुटिया त्रिशिका की, इसकी फर्स्ट चुटिया। त्रिशिका आप देख नहीं रहे उधर को, एक बार को तो देख लो, स्टाइल मार रहे हो क्या चुटिया बना के? हाँ त्रिशिका इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर, मम्मा को, मम्मा को, मम्मा मम्मा, त्रिशिका ऑरेंज जूस डायरेक्ट कटोरी से, इसकी स्पेशल चटनी नानी ने बनाई है, मतलब इसको खिलाने के लिए यूज करते हैं लोग। शी लव ऑरेंज जूस, बहुत पसंद है इसको। ऑल गॉन, त्रिशिका डन, इसने फिनिश कर दिया। हाँ नो और नहीं, दो
ग्लास पानी पी चुकी हूँ ऑलरेडी, दिस विल बी माई थर्ड थर्ड ग्लास ऑफ वाटर। दो इकट्ठा भी नहीं पीऊँगी क्योंकि मेरी चाय रखी है बाहर, मुझको चाय भी नहीं है। माई थर्ड ग्लास ऑफ वाटर। त्रिशिका की नानी जो है वो बर्ड्स दिखा रही है त्रिशिका को, बहुत ही धूप हो रही है बट अच्छी लग रही है क्योंकि अभी मम्मी कितना बज गया, 5, इट्स अराउंड 5, पर धूप अभी भी बहुत स्ट्रांग है, बट स्ट्रांग इन द सेंस कि बियरेबल है, आप धूप में बैठ सकते हो। तो धूप वाली हम लोग अब चाय पियेंगे धूप में बैठ के। मेरे थोड़े नूडल्स रह गए थे, हैव टू फिनिश इट, लाइक मैंने लंच नहीं किया तो नूडल्स फिनिश करना है। और हम लोगों की चाय इज देयर, ये मम्मा की चाय है छोटू कप में, ये मेरे मग में, बॉस बिकॉज आई एम द बॉस। ऋषिका की नानी ऋषिका को चलना सिखा रही है, पैया पैया ऋषिका जल्दी चलेगी ऋषिका, यस लाइक दिस। अरे 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 डन 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 डन, वेरी गुड वेरी गुड। त्रिशिका बर्ड, त्रिशिका बर्ड को देख रही है, त्रिशिका सी दैट बर्ड, बर्ड बर्ड। त्रिशिका घूम फिर के बर्ड को छोड़ के फोन पे देखने लग जाती है, शी इज जस्ट अ पोजर, लाइक बहुत पसंद है उसको पोज देना। त्रिशिका बर्ड, बर्ड्स, सो मेनी बर्ड्स, त्रिशिका बर्ड्स। आई होप आपको दिख गई होगी, अब त्रिशिका देख रही है पलट पलट के बर्ड्स को, इसको इतना तो पता चल गया बर्ड्स होती है और फ्लाई करती है आसमान में, ये तो इसको पता ही चल गया एटलीस्ट। त्रिशिका इज अबाउट टू स्लीप, अभी ये सोने लग रही है और जब ये सो जाएगी उसके बाद मुझे एडिटिंग करनी है वीडियो पैसिफाई वगैरह की। और त्रिशिका वन मोर राउंड, अभी लेट मी सी त्रिशिका क्या कर रही है। ओह माय गॉड शी इज डूइंग पूजा, वो सोई नहीं। सो गाइस हम लोगों का डिनर हो गया, त्रिशिका सो गई है और गाइस मैं थक गई हूँ फाइनली, और बस अब मुझको जो मेरे को डॉक्टर ने फेस क्रीम लिखी है उसको मुझको लगानी है। मैंने उसमें 3 पोर्शन है दवाइयों के, दैट इज़ जो सबसे पहली होती है वो मुझको दिन में 2 बार लगानी होती है। फिर गाइस एक और क्रीम है जो मुझको 7 से 7:30 बजे तक लगानी होती है, उसके बाद फिर पूरे होल नाइट मतलब मुझे रात भर दवाई रखनी होती है। तो लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, दवाइयाँ लगानी है, ये करना है वो करना है। तो अभी मेरी एक्ने एज इफ़ यू कैन सी काफ़ी हद तक मतलब ठीक हो गई है, डेफिनेटली मतलब मेरे को असर हुआ है दवाइयों से। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दवाइयाँ लगा रही हूँ जो भी मेरे को डॉक्टर ने लिखी है। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू से एवरीवन अ वेरी हैप्पी गुड नाइट, क्योंकि मैं जा रही हूँ सोने, एंड होप कल का दिन सबका बहुत अच्छा होगा। बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।